तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी IOCL पाइपलाइन डिवीजन का जो भी एडमिट कार्ड बहुत सारे लोग डाउनलोड कर लिए हैं आई थिंक। तो जिसका जिसका भी डाउनलोड नहीं हुआ, मतलब कि कुछ लोगों का रिजेक्टेड भी हो गया, तो क्या कारण है, ये सारा कुछ आज के वीडियो में बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं जो TA फॉर्म मतलब कि ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड भी मतलब कहाँ जमा करना है, कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आप लोग ये जो शॉर्ट लिस्टेड अभी एक लिस्ट निकाले हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ भी जाकर आप लोग चेक कर लेना। अगर आपका नाम है तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा ही, तो अपना रोल नंबर के हिसाब से आप लोग वहाँ चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपका है तो एडमिट कार्ड आएगा, और अगर नहीं है तो आपका रिजेक्टेड होगा, यह तो ओबियसली हो ही जाएगा। तो जिसका वहाँ नाम शॉर्ट लिस्टेड में उसका नाम है और उनको अभी तक उनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया, उनको डाउनलोड करने में इशू हो रहा है, तो वो लोग फिर से लॉग आउट कर लो, फिर लॉगिन करो, फिर एक बार दोबारा ऐसा ट्राई करते रहे, आपका आ ही जाएगा। क्योंकि ये जो IOCL का साइट है ये कभी कभी स्लो भी हो जाता है और इसमें प्रॉब्लम भी आते रहता है, इसलिए ऐसा तो होता ही है, इसलिए आप लोग ट्राई अगेन एंड अगेन करते रहना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करो रिजेक्टेड, रिजेक्टेड किन लोगों का हुआ है, कुछ परसेंट लोगों का ही, 2-3% लोगों का ही रिजेक्टेड हुआ है फाइनल। जिसका जिसका फाइनल सबमिट हुआ तो उनका तो आ ही गया होगा एडमिट कार्ड। किन किन लोगों को रिजेक्ट हुआ है, मे बी उन लोगों का हो सके कि वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो नोटिफिकेशन में दिया हो उससे उनका मैच नहीं कर रहा होगा, यह भी हो सकता है एक रीज़न। या फिर आप लोग का यह भी रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे लोग दो दो फॉर्म फिलअप किए थे, मतलब दो दो स्टेट से फॉर्म फिलअप किए थे, तो वैसा लोगों का भी हो सकता है रिजेक्ट। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप भी दो स्टेट से फॉर्म फिलअप किए थे और आपका अगर आया है तो, कोई क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉर्म फिलअप करने में गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, वो लोग अलग ID बनाकर फिर से अप्लाई किए थे। क्या आप लोगों का आया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, अगर नहीं आया है तो ऊपर भी बताना, जिससे कि अगला को भी हेल्प मिल सके, कि उनका जो रिजेक्ट होने का जो मेन पर्पस है वो पता चल सके। और बहुत सारे लोग बोल रहा था कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये बहुत सारे लोगों को शो कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपका वहाँ पर रिकॉर्ड है ही, मतलब कि आपने फाइनल सबमिशन किया ही है नहीं हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग ये चेक करना, सबसे पहले तो आप लोग ये कंफर्म कर लो कि आप लोग IOCL में दो वैकेंसी आई हुई थी, जैसे कि एक अप्रेंटिस का और एक पाइपलाइन डिवीजन का। तो अप्रेंटिस जो रिफाइनरी डिवीजन का जो भी आप लोग अप्लाई किए थे, तो उनका भी 6 ही तारीख को एग्ज़ाम है, तो उन लोगों का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसलिए उनका अभी शो नहीं करेगा, उनका 1 तारीख से एडमिट कार्ड आएगा जो अप्रेंटिस वाले का है, तो वो लोग 1 तारीख तक वेट कीजिए। अभी सिर्फ पाइपलाइन डिवीजन जो परमानेंट वाला जो था उनका बस आया है, तो इसलिए उनका ही अभी रिकॉर्ड फाउंड होगा और उनका ही शो करेगा एडमिट कार्ड। और हाँ, जो भी TA फॉर्म मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बता रही हूँ, तो आपको उसके लिए वो फॉर्म आपको वहीं दिया जाएगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे, तो वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। फिर आपको तुरंत ही फॉर्म फिलअप कर, जितने जो भी ट्रैवल का जो भी टिकट है वो सारा कुछ जेरोक्स आपको वहाँ पर सबमिट कर देना है। और हाँ, उसके साथ आपको ये चीज़, अगर आप ST SC हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है, तभी जाके आपका वहाँ पर लेगा वो फॉर्म। और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपका बैंक डिटेल भी मांगता है, इसलिए बैंक का फ्रंट पेज का जो भी फोटो कॉपी होता है, फोटो स्टेट, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, इसलिए बैंक पासबुक एंड ये जो कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों का जेरोक्स आप लोग के पास होना चाहिए। तो बाकी इससे कुछ भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग ऑब्वियसली पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।